शॉर्ट एंड फिल्टर। डाटा टैब में नेक्स्ट जो ब्लॉक हमें देखने को मिलता है वो है शॉर्ट एंड फिल्टर। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देख चुके हैं तो आपको इन ऑप्शंस का यूज़ पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इन्हें यूज़ कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। मान लीजिए आपके पास ऐसे कोई डाटा है, हमारे पास यहाँ पर डाटा है स्टूडेंट्स का, उनके एड्रेस और उनके कोर्स को लेकर, साथ में रोल नंबर भी है, लेकिन ये जो नाम है ये रैंडमली लिखे हुए हैं ऊपर नीचे, यानी कि अल्फाबेटिकली नहीं लिखे हैं, है ना। अब मुझे इन्हें शॉर्ट करना हो तो, यानी कि मैं चाहता हूँ जो ए नाम वाले हैं पहले उनका नाम आए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, इस तरह से एक अच्छे सीक्वेंस में मैं इन्हें अरेंज करना चाहता हूँ। अब आप इसे मैन्युअली करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, कट करेंगे, या कोई दूसरी लिस्ट आप देख कर टाइप करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी एक ऑप्शन है, वो है शॉर्ट। आप इन्हें अल्फाबेटिकली शॉर्ट कर सकते हैं, बस एक क्लिक में ये खुद शॉर्ट कर देगा। अब मान लीजिए मैं इन्हें अकॉर्डिंग टू नेम शॉर्ट करना चाहता हूँ कि पहले ए वाला आए, फिर बी, फिर सी, इस तरीके से। तो आप क्या करेंगे, ये नेम वाला जो कॉलम है इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आप जाएंगे यहाँ शॉर्ट ऑप्शन पे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, ये देखिए ए टू जेड, इस पर आप क्लिक कर देंगे और इसको कर देंगे आप ओके। ये फर्स्ट ऑप्शन हमेशा सिलेक्ट रहेगा जो कि हमारी सिचुएशन के लिए बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। इससे क्या होता है, अगर आप ये फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करते हैं तो क्या होता है, इसके आपका डाटा जो है वो मिक्सअप नहीं होएगा, यानी कि ये जो योगेश का एड्रेस, कोर्स और रोल नंबर है वो इसके साथ मूव हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम अल्फाबेटिकली जो है अरेंज हो जाएंगे और हमारा डाटा, ये बाकी डाटा है, ये ऐसा कैसे रहेगा, नहीं फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना, है ना। यहाँ कोई और नाम आ जाएगा और एड्रेस, कोर्स और रोल नंबर यही रह जाएगा, ऐसे तो रोल नंबर योगेश का कोई कुछ और हो जाएगा, है ना। लेकिन ये ऑप्शन हमारी हेल्प करता है कि नाम के साथ उसका बाकी जो डाटा है वो भी उसके साथ वो हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास यहाँ पर योगेश का जो रोल नंबर है वो 258 है। अब मैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ इसे शॉर्ट कर देता हूँ तो देखिए मेरी जो लिस्ट है वो अल्फाबेटिकली अपने आप अरेंज हो गई है, एक बढ़िया तरीके से शॉर्ट हो गई है। और क्योंकि योगेश का रोल नंबर 258 था तो देखिए योगेश बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि वाई से शुरू होता है तो ये लास्ट में चला गया, और उसका रोल नंबर करेक्ट है 258, यानी कि ये हमारा बाकी डाटा भी इसके साथ नाम के साथ मूव हो गया है, यानी कि किसी का डाटा मिक्सअप नहीं हुआ है। लेकिन वहीं अगर आप वो ऑप्शन चूज ना करें, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं दोबारा इसको शॉर्ट करके दिखाता हूँ, नेम को मैंने सिलेक्ट किया गया शॉर्ट पर, और इस बार मैं फर्स्ट ऑप्शन चूज ना करके सेकंड ऑप्शन चूज करूँगा तो क्या होगा, मेरे सिर्फ नेम जो है वो शॉर्ट होंगे और मेरा ये बाकी डाटा एज इट इज़ यहीं रह जाएगा। लेकिन इससे होगा क्या, इससे इनकी इन्फॉर्मेशन गलत हो जाएगी। मैं इसे शॉर्ट कर देता हूँ सेकंड ऑप्शन के साथ, तो देखिए मेरे नाम तो शॉर्ट हो गए हैं लेकिन अब 258 रोल नंबर अंजू का है, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से अपनी इस लिस्ट को शॉर्ट करना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस फर्स्ट ऑप्शन के साथ ही अपना सारा डाटा शॉर्ट करते हैं ताकि इन नेम्स के साथ उनकी इन्फो मिक्सअप ना हो जाए, ठीक है। तो ये तो था यूज़ इन दोनों ऑप्शंस का कि ये किस लिए है, ठीक है। अब हमने अल्फाबेटिकली तो इनको शॉर्ट कर लिया है, अब दूसरा ऑप्शन होता है हमें इन्हें अपोजिट तरीके से शॉर्ट करना, यानी कि जेड टू ए। ऐसा करने के लिए भी आपका सेम प्रोसीजर रहेगा, आप अपने नेम्स को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे और इस बार जेड टू ए शॉर्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपके जो नेम जेड या वाई से शुरू होते थे वो पहले आ जाएंगे और ए या बी से जो शुरू होते थे वो लास्ट में चले जाएंगे, यानी कि ये उल्टे क्रम में इनको शॉर्ट कर देगा, ए नाम वाला सिर्फ से लास्ट में और यहाँ पर क्योंकि वाई है लास्ट जो है तो वो सबसे ऊपर आ गया है। तो ये होता है शॉर्ट ए टू जेड या जेड टू ए। अगर आप शॉर्ट इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर आज़ादी मिल जाती है कई अलग तरीके से अपने इस टेबल को शॉर्ट करने के लिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपकी पूरी टेबल को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा और अपने आप उनकी हेडिंग्स यहाँ पर उठा लेगा और आपसे पूछेगा कि आप इसे नेम्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना चाहते हैं या उनके एड्रेस के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना चाहते हैं, उनके कोर्स या उनके रोल नंबर के अकॉर्डिंग आप उन्हें शॉर्ट करना चाहते हैं। मैं इस बार कह देता हूँ कि रोल नंबर के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर दे, यानी कि सबसे छोटा रोल नंबर जो होगा वो पहले, जो बड़ा रोल नंबर होगा वो बाद में, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि भाई रोल नंबर के अकॉर्डिंग इनको शॉर्ट करना है। उसके बाद पूछ रहा है शॉर्ट किस बेस पे करें, यानी कि आपने कॉलम तो सिलेक्ट कर लिया रोल नंबर वाला, लेकिन उस रोल नंबर वाले में क्या चीज़ उठाए जिसके जरिए वो उसको शॉर्ट करे। वैल्यूज़ ऑब्वियसली हमारा रोल नंबर जो है एक वैल्यू है वो लिखा हुआ है, मैं यहाँ सिलेक्ट करूँगा वैल्यू। वैसे आपको इधर और भी कई ऑप्शन मिल जाते हैं, आप सेल के कलर, फॉन्ट के कलर,
या उनको आइकन दे रखा है तो उनके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारी सिंपल टेबल है, मैंने वैल्यू लिखा है, तो यहाँ पर हम वैल्यूज सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहा है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये वही ए टू जेड वाला ऑप्शन है। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेंगे तो पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे तो पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। लेकिन मैं चाहता हूँ पहले जो है हमारे छोटे नंबर से शुरुआत हो और बड़े तक जाए, तो मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड देन ओके। और मेरी ये टेबल जो है रोल नंबर के अकॉर्डिंग अपने आप ऐसे अरेंज हो जाएगी, सबसे छोटा रोल नंबर सबसे पहले आएगा और जो सबसे बड़ा रोल नंबर होगा वो लास्ट में ऐसे आ जाएगा। तो ये ऑप्शन होता है शॉर्ट। उसके बाद जो ऑप्शन हमें मिलता है वो है फिल्टर। ठीक है, ये तो शॉर्ट था, यानी कि भी इन्हें अरेंज कर देगा, अल्फाबेटिकली कर देना चाहे आप इसे सीधे क्रम में या उल्टे क्रम में, इसे शॉर्ट कर देगा। फिल्टर ऑप्शन आता है, बाकी हर रिजल्ट को हटा देगा और जो आपको पसंदीदा, जो आपको मेन, जो जिस पर आपको फोकस करना है वो ही चीज़ आपको दिखाएगा। अब ऐसे बोलने से आपको समझ नहीं आएगा तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सिचुएशन देता हूँ मैं आपको यहाँ पर, मान लीजिए आपको इस लिस्ट में डाटा देखना है सिर्फ उन बच्चों का जिनका एड्रेस दिल्ली है, तो आप कैसे करेंगे? आप शॉर्ट करेंगे तो फिर डाटा तो सारा ही दिखाई देगा, भले ही वो शॉर्ट हो जाएगा लेकिन डाटा तो सारा दिखाई देगा। मैं चाहता हूँ दिखाई सिर्फ दिल्ली वालों का ही दे, और कोई दिखाई ही ना दे, तो उसके लिए आप यहाँ पर फिल्टर लगा सकते हैं। आपको जिन कॉलम्स पर यानी कि जिन हेडिंग्स पर फिल्टर लगाना है आप उन्हें सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, नेम्स पे तो मैंने नहीं लगाना क्योंकि नेम अगर देखना हो तो मैं ऐसे ही देख लूँगा, है ना। तो मैं चाहता हूँ एड्रेस और कोर्सेज पर फिल्टर लग जाए, ये दो जगह पे फिल्टर लग जाए ताकि इन दो तरीके से मैं इनको फिल्टर करके देख सकूँ। तो मैंने इन दोनों हेडिंग्स को ऐसे सिलेक्ट कर लिया और क्लिक कर दिया फिल्टर पर, और ये देखिए मेरा फिल्टर यहाँ पर इन दोनों कॉलम्स पर लग गया है। ठीक है, अब मैंने इन्हें सिलेक्ट करके क्यों लगाया, देखिए अगर आप क्या करते हैं, आप अगर सिलेक्ट नहीं करेंगे, ऐसे कर लिया मैंने, ओनली एड्रेस को सिलेक्ट किया है ऐसे, और फिर आप फिल्टर पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, ये सब पर फिल्टर लगा देता है। सब पर नहीं चाहिए मुझे, रोल नंबर पर नहीं चाहिए, नेम पर नहीं चाहिए मुझे, ये तो यूनिक होते हैं, है ना। तो ये सब पर नहीं चाहिए, अगर सिलेक्टेड किसी उस पर चाहिए आपको कॉलम पर तो आप ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, ओनली एड्रेस पर चाहिए आप ऐसे एड्रेस वाला कॉलम सिलेक्ट करेंगे, फिल्टर पर क्लिक कर देंगे। और अगर ऐसे मल्टीपल अगर आपको कॉलम्स पर फिल्टर लगाना है तो आप ऐसे मल्टीपल कॉलम्स को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन क्लिक कर देंगे फिल्टर, और ये सिर्फ उन सिलेक्टेड हेडिंग्स पर आपका फिल्टर लगा देगा। यूज़ कैसे करना है इसको, आप इस एरो पर क्लिक करेंगे तो जो भी एड्रेसेस यहाँ पर मौजूद है वो सब यहाँ पर आ जाएंगे एक लिस्ट के तौर पर, और अब आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे कि आप एड्रेस के तौर पर किसे फिल्टर करके देखना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ ओनली दिल्ली का जो है, जो बच्चे दिल्ली के हैं उनका डाटा मेरे को दिखाई दे। ठीक है, तो सिलेक्ट ऑल पे से ऐसे टिक मार्क कटाएंगे ना तो ये सब पे से हट जाएगा, और अब आप ओनली दिल्ली को सिलेक्ट करेंगे एंड देन कर देंगे ओके, तो इस पूरी लिस्ट को ये फिल्टर करके दे देगा और सिर्फ उन बच्चों का डाटा मुझे दिखाएगा जिनका एड्रेस दिल्ली है। क्लियर बटन पर आप क्लिक करेंगे तो ये फिर से पहले जैसा नॉर्मल भी हो जाएगा और सभी बच्चों का डाटा दिखाई देगा। इसी तरह कोर्स के अकॉर्डिंग आप देखना चाहें तो कोर्स वाले फिल्टर पर आप क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे तो सब पे से टिक मार्क हट जाएगा, और अब आप चूज़ करेंगे कि किस कोर्स के बच्चों का डाटा आप देखना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ सिर्फ बीए वाले बच्चों का डाटा मुझे दिखाए, तो बीए पर आप टिक मार्क करेंगे ओके करेंगे और ये बीए कोर्स वाले बच्चों का डाटा मुझे यहाँ पर शो कर देगा। दोबारा आप क्लियर पर क्लिक करेंगे तो ये फिर से पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा और पूरी लिस्ट मुझे यहाँ पर नज़र आएगी। ठीक है, लेकिन उसी के साथ यहाँ पर री अप्लाई ऑप्शन किस काम आता है, ये देखिए जैसे ही मैं कुछ यहाँ पर फिल्टर करता हूँ तो क्लियर के साथ साथ रीअप्लाई ऑप्शन भी हाईलाइट हो जाता है, लेकिन हटा देता हूँ तो ये ऑप्शन भी चला जाता है। ऐसा क्यों, इसका क्या यूज़ है वो मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपने यहाँ पर बच्चों का डाटा देखा जिनका एड्रेस दिल्ली था, लेकिन बाद में आपने किसी बच्चे का एड्रेस यहाँ पर चेंज कर दिया, आपने यहाँ पर अंजू का एड्रेस जो है वो पंजाब कर दिया, PUNJAB पंजाब कर दिया, लेकिन ये अभी भी यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, आपने चेंज करना था किसी कारण, इसका एड्रेस गलत था, चेंज कर दिया आपने, चेंज कर दिया, लेकिन ये यहाँ से गया नहीं जबकि मैंने फिल्टर लगा रखा है कि दिल्ली के बच्चों का ही दिखाए, है ना। अब क्योंकि मैंने इसे बाद में अपडेट किया है तो इसलिए ये अभी तक यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये लिस्ट रिफ्रेश हो जाए कि नहीं भाई भले ही इसका एड्रेस जो है मैंने बाद में चेंज किया पंजाब किया लेकिन मुझे दिल्ली का ही जो है डाटा दिखाए, तो आप यहाँ से री अप्लाई कर देंगे और ये आपके फिल्टर को दोबारा अप्लाई कर देगा कि ओनली दिल्ली के बच्चों का ही डाटा मुझे दिखाए। और देखिए अंजू का डाटा यहाँ से गायब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसका एड्रेस हमने चेंज कर दिया है। तो ये ऑप्शन होता है हमारा री अप्लाई। नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है वो है एडवांस्ड। ये एडवांस किस्म का फिल्टर है जो आप बड़ी लिस्ट पर यूज़ करते हैं एक अलग तरीके से अपने डाटा को फिल्टर करने के लिए।
और इसका यूज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ फुल डिटेल में, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही। यह था आज का हमारा टॉपिक, आज की हमारी क्लास, शॉर्ट एंड फिल्टर।